नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी बोरकर है। कार्य शुरू किया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितने विविध कलाकार हैं उनके इंटरव्यूज लेते हैं और आर्काइव्स करते हैं। तो पहले तो हम लोग इंटरव्यूज कर रहे थे कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर डालेंगे और नए जो बच्चे हैं उनके लिए ये मार्गदर्शक हो जाएंगे। अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि आपकी अगर हम इंटरव्यू करें तो आपके लिए भी ऐसा हो जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति आपसे इंटरव्यू लेने आएंगे। कोई छोटे से इंटरव्यू करेंगे, कोई बड़ी करेंगे, तो हर एक का एक दृष्टिकोण अलग रहता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि एक पुस्तक रूप से इंटरव्यू जो आ सकती है किसी की, लेकिन आप व्यक्ति किस प्रकार के हैं उस तरह से जो इंटरव्यू आ सकती है उस तरह की मैं सोच रही हूँ कि आपसे बातचीत करूँ। तो प्रणाम सिद्धेश पिचोलकर। नमस्ते। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि पहली बात तो आपने इस इंटरव्यू के लिए हाँ कही, जबकि मुझे पता है कि आप कितने व्यस्त रहते हैं, कितनी जगहों पर बजाते हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहती हूँ जितना कि मैं जानती हूँ। मेरा परिचय सिद्धेश बिचोलकर से एक अति मतलब कम उम्र के लेकिन बहुत उच्च कोटि की हारमोनियम या संवादिनी, आजकल जिसका नाम संवादिनी हो गया है, बड़ी भली प्रकार से बजाने वाले व्यक्ति के रूप में। और तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आपके माता पिता का नाम बताइएगा और आपके मूल गांव, मतलब बिल्कुल जैसे मैं जानती हूँ आप गोवा से हैं या गोमंतक प्रदेश जो कहते हैं, लेकिन मूल गांव कौन सा है, आपके माता पिता का नाम क्या है? वैसे मैं बेसिकली गोवा से हूँ। हाँ, मेरे माता का नाम है सोनिया सगुन बिचोलकर और पिताजी का नाम है सगुन बिचोलकर। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है सगुन। नाम मैंने तो मतलब पहली बार किसी का नाम सुना है। हाँ, एक्चुअली तो क्या घर पे कीर्तन संप्रदाय का कुछ वातावरण है? नहीं, वैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे घर में मेरे ऐसे पिताजी कहा करते हैं या माँ भी कहती है कि मेरे पिताजी के जो पिताजी थे वो भजन में बहुत दादाजी इंटरेस्ट थे और बहुत अच्छा गाते थे और बहुत अच्छा संग्रह रखते थे। क्या तबला बजाते थे? तबला बजाते थे। नहीं, वो सिर्फ गांव में अपने जब कुछ फेस्टिवल हो या कुछ हो या फिर किसी के घर में कुछ पूजा हो तो वो हमेशा भजन के लिए जाके तबला बजाते थे। तो म्यूजिकली उनको ये पिताजी की साइड से ऐसा था। मैंने तो उनको हालांकि देखा नहीं क्योंकि मेरे पिताजी के बचपन में ही वो गुजर गए। अच्छा, मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि जैसे ही आप किसी को पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं और जैसे ही कोई कहता है गोवा से, तो फिर तरी पीट्स बोलेंगे। अच्छा, मतलब ये कोई सामान्य बात है कि गोवा से हैं और संगीत की पूरी परंपरा है तो बहुत ही स्वाभाविक बात है। जैसे कि झुमरी तलैया से कोई आए तो उसको तो संगीत पता ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, गोवा में आप कौन से गाँव से हैं, छोटे गाँव से जो होता है? गोवा में मेरा मूल गांव जो है वो पेरनेम तालुका में है, कासारवर्णे नाम का गांव है। हाँ, बहुत छोटा गांव है, तो वहां अच्छा। से मैं बेसिकली हूँ। हाँ, हाँ, और तो, लेकिन मेरा बचपन जो गया पूरा वो मेरा सिटी में गया, वास्को सिटी में, वास्को दगामा के नाम से जो फेमस है। हाँ 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 हाँ, तो समुद्र किनारा जो बोलते हैं, समुद्र हाँ, के किनारे बैठ के कुछ भी सूर्योदय देखना, सूर्यास्त देखना, पंछियों को उड़ते हुए देखना और लहरों को देखना, ये ऐसा वातावरण मेरे लिए, मेरे ख्याल से संगीत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हाँ, बहुत पोषक है। अच्छा, वैसे तो गोवा को कई चीजों से जाना जाता है, समुन्द्र के किनारों से जाना ही जाता है, जो हम लोग सी फूड कहते हैं उसके लिए जाना जाता है, फिर जो बहुत सारे विस्तारित हरित प्रदेश है वहां पर नारियल के बागान हैं या फिर काजू और चीजें मिलती हैं, बहुत सारे फल होते हैं, कटहल है जैसे फणस कहते हैं, और मंदिरों का प्रदेश भी कहते हैं, कीर्तन संप्रदाय बहुत बड़े पैमाने पर जहाँ है, संगीत नाटकों की परंपरा है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको क्या याद आता है कि बचपन में कोई आवाज जो आपकी अपनी नहीं है, कहीं से सुर आ रहे हैं तो वो कौन से सुर हैं, कि कीर्तन के सुर हैं या अपनी माता के कंठ से कोई सुर आ रहा है या कोई तबले का कुछ आप सुन रहे हैं, क्या आपको पहली याद क्या है संगीत की, श्रवण की मतलब? जैसे कि मेरा बचपना जो है वो मेरे मामा जी के घर में गया, मेरे नानी के साथ। हाँ, नानी मेरे नाना थे, मामा जी थे। तो जब मैं 3.5-4 साल का था तो मुझे मेरे माँ पिताजी ने मेरे नानी के घर में रख दिया। अच्छा, ये नानी, वो नानी टिपिकल थी क्या, कहानियों वाली नानी जो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाने वाली? हाँ, मतलब उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है मेरे नानी ने।
मेरे नाना भी थे, मेरे मामा भी थे, दो तीन मामा थे मेरे उस घर में तभी, तो ये सब ऐसे बहुत बड़ी फैमिली थी। और वहाँ पे रखने का मेन रीजन ये था कि मुझे कुछ तो म्यूजिक का मिले। अच्छा, क्योंकि अच्छा। मेरे जो मामा थे हाँ। शरद मटकर जी हाँ। वो उस समय संगीत सीखते थे और उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि जब भी वो घर में, अगर वो समझे बाहर जॉब को गए हैं कहीं पे या फिर किसी काम से गए हैं, तो जब भी वो वहां से वापस घर आते तो सबसे पहले वो, उस जमाने में कैसेट का जमाना था, तो सीडी नहीं थे, तो वो आने के बाद पहले सबसे क्या करते थे, तो वो क्लासिकल का कोई भी कैसेट चालू करते थे। अच्छा, तो आपने रिकॉर्ड प्लेयर्स भी देखे हैं पहले के, जो भोंपू कहते हैं, जिसमें इतने फूल जैसा बड़ा एक ये रहता है जिससे आवाज निकलती है, रिकॉर्ड प्लेयर भी देखे हैं? वो वाला नहीं, मैं कैसे पूछ रही हूँ कि रिकॉर्ड प्लेयर भी कभी देखे हैं कोई घर में पुराना सा? नहीं, हमारे जो घर में था वो कैसेट प्लेयर था, इसमें जो रील आती थी ना वो, तो जैसे ही वो घर में आते तो हमेशा उनके जैसे छोटे स्पूल होते हैं। हाँ हाँ, हाँ समझ गई। तो वो कैसेट प्लेयर था, तो जैसे वो घर में आते वो तो अपना कैसेट लगाते थे, तो तब मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि ये क्या है क्या, क्या चल रहा है। वो आपकी पहली याद है, संस्कार वहाँ से हो गए। और आपको कुछ याद आता है कि घर पे उस समय क्या क्या मतलब साज या वाद्य रहे होंगे? तब तो बहुत कुछ, और कितने सारे थे, मतलब यदि कोई हारमोनियम थी तो एक दो तीन हारमोनियम थी, या तबले थे तो कई तीन चार तबले जोड़ी थी? जी हाँ, मामा को इंस्ट्रूमेंट्स जमा करने का या फिर उनका एक संग्रह रखने का बहुत शौक था, तो इसलिए मेरे बचपन में मुझे याद है आराम से 8-10 इंस्ट्रूमेंट्स थे। हाँ, 5-6 तानपुरे थे। अच्छा, चार, अच्छा, अलग अलग स्वरों के, वो भी मिलाए हुए अच्छे से मेंटेन किए हुए। हाँ, मेंटेन किए हुए। 5-6 हारमोनियम थे। अच्छा, फिर 5-6 तबलों की जो, और सारी चीजें अच्छी स्थिति में। जी हाँ। अच्छा, बस इतना ही नहीं बल्कि उनके पास बहुत सारे, वो जहीं पे जहाँ कहाँ पे वो प्रोग्राम को जाते तो वहाँ से वो कैसे जरूर लेके आते खरीद के, ताकि वो अलग अलग आर्टिस्ट के अलग अलग राग सुने। अच्छा, तो माता जी का भी कंठ अच्छा है, कैसा है? हाँ, मेरे माता जी का भी कंठ अच्छा है एक्चुअली, लेकिन उनके बचपन में तभी उतना फाइनेंशियली अच्छा कंडीशन नहीं था, तो इसलिए वो सीख नहीं पाई। और मेरे नाना जी भी गाते थे। तो आपकी गाने की आवाज भी अच्छी है कि कैसे गुनगुनाते रहते थे, ऐसा कुछ है सुन सुन के? ये या आपको याद है कि पहला गीत कौन सा आपको लगा होगा कि मैं भी गुनगुनाऊं सुन के, या एकदम याद है मन में बैठा हुआ एक गीत? इतना सब सुनने के बाद भी घर में बचपन में संगीत के तरफ मेरी रुचि उतनी ज्यादा नहीं थी। अच्छा, सच बोलूं तो कितने सालों तक? मेरे ख्याल से 8-9 साल तक। तो स्कूल में कैसा रहता है उस समय, मतलब कुछ समूह गान या स्कूल में कॉम्पिटिशन ऐसा कुछ रहता है कि जिसमें आपको भी ले लिया, चलो ये सुर में गाता है इसे भी ले लेते हैं? नहीं, ऐसी बात भी नहीं थी। या बजा के देखा है घर पे हारमोनियम था तबला? जिस स्कूल में मैं जाता था बचपन में, उस स्कूल में म्यूजिक का उतना वो नहीं। हाँ, नहीं, 5वीं 6वीं तक मेरी कक्षा तक, मतलब जब तक मैं 10-12 साल का ना हूँ तब तक। लेकिन हुआ क्या कि बचपन में मामा के पास सीखना तो होता था, क्योंकि मामा तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो क्या मतलब गीत सिखाते थे, राग सिखाते थे, आलाप अलंकार क्या सिखाते थे? वो अलंकार, सबसे पहले तो अलंकार से ही शुरू, वैसे ही जैसे संगीत शिक्षा दी जाती जी है। हाँ, वैसे उसके बाद वो, और आपकी आवाज भी तब लड़कियों जैसी होगी संभवतः। हाँ, पतली सी, सुंदर सी, जरूर। तो वो मुझे राग ही सिखाते थे अभी बचपन में, गाना बनाना बिल्कुल नहीं। और होता क्या था कि मुझे नाट्य संगीत भी कुछ सीखा है तभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुना भी नहीं था तभी तो। अच्छा, बहुत छोटा था। अच्छा, क्लासिकल बहुत। और कोई मंदिर था वास्को में कोई? एक तो मुझे जहाँ पता है दत्त मंदिर। वैसे तो मंदिर बहुत सारे थे वास्को में, और हमारे गोवा में ऐसी परंपरा है कि हफ्ते में एक जो भगवान का मंदिर है उनका एक दिन होता है, दिन तो उस दिन में शाम को वहाँ पे भजन कीर्तन कीर्तन होता है। तो वो बस, और वहाँ पे स्पीकर लगा के वो सब कीर्तन करते हैं। अच्छा, तो वो तो अभी और आम सा कोई बच्चा हो उसको भी तबले पे ढोलक यहाँ में हाथ फेरना तो आता ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पढ़ लिख के ही बजा लिया उसने, आता रहता है बिल्कुल। तो 8 साल के थे, तो मतलब हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कहीं 3री-4थी के आसपास के बाद संगीत में थोड़ी रुचि उत्पन्न हुई, उसका क्या कारण है? नहीं, सबसे पहली बात तो जब मैं पहली में था, पहली कक्षा में, तब से सीखना शुरू किया। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ध्यान दिया है? नहीं, सीखना है, सीखना है। उस समय में मार भी बहुत खाया है क्योंकि संगीत में रुचि नहीं थी उतनी ज्यादा, तो वो मुझे मार के रियाज को बिठाते। अच्छा। और वो रियाज को बिठाने का भी उनका एक तरीका था, वो जब मैं छोटा था एकदम। आज कैसे लगता है, प्रसन्नता होती है कि अच्छा किया, थोड़ी पिटाई की थी तभी? वो तो अच्छा ही किया, अच्छा उस उम्र में होना ही चाहिए वो। अब कुछ नहीं, पर अच्छे कारण के लिए पिटाई की गई है ये आप तो बता भी रहे हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आता है ना। हाँ, शुरुआत में जितना आप मतलब भुगतोगे उससे आपका स्वर ज्ञान अच्छा हो गया।
हाँ स्वर्ग गान तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसी कौन सी आपकी आयु थी जब आपको लगता है कि और किसी के गाने का भी अच्छा और बुरा आप समझ लेते थे कि ये अच्छा गाना है और ये ठीक गा रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया तो नहीं है, ठीक ठाक है। मैं तो बहुत छोटा था, मैं तो अच्छी बुरी की कुछ पहचान ही नहीं थी। तब तो बस संगीत में जस्ट आ रहा था अंदर, मतलब अच्छा बुरा धीरे से प्रवेश कर रहे थे। अच्छा बुरा जानना तो उसके लिए बहुत टाइम, जिसको कहते हैं आहट हो गई थी, संगीत की आहट हो गई थी कि कुछ है यहाँ पे। जी हाँ जी हाँ। उसके बाद अच्छा तो तब होता क्या था कि सुबह में मामा मेरे जल्दी, वो तो रात को लेट आते जॉब वॉब से, रात को 12-1 बजे वो सोते थे, सुबह वो 5:30 बजे मुझे उठाते थे और खुद भी बैठ जाते थे। नहीं, मुझे उठा के वो मुझे तानपुरा मिला के देते थे और बोलते थे कि इसको आधा घंटा छेड़ना है, 15-20 मिनट इसको छेड़ना है, तानपुरे को बस सुनना है और 15-20-25 मिनट ओमकार की साधना करनी। तो ये तानपुरा छेड़ना आपको बड़ी कम उम्र से आता है, क्योंकि अच्छे अच्छों को आजकल विद्यार्थियों को सिखाना पड़ता है क्या है क्या। जी हाँ, तभी मैं एक्चुअली मैं छोटा था बहुत उस समय, 6-7 साल की उम्र में आप कहते हैं तानपुरा आ गया, बहुत बढ़िया बात है, बड़े तुम्बे वाला। हाँ बड़े तुम्बे वाला, लेकिन हुआ क्या कि मेरी तो हाइट बहुत, ऐसे बैठते थे पालथी मार के बैठते थे, कैसे बैठते थे, फोल्ड करके? नहीं फोल्ड करके नहीं, मेरा हाथ बहुत छोटा था तो इसलिए मैं ऐसे उसको आधा रख के बैठा था तभी। अच्छा। और तभी मुझे उनका बहुत गुस्सा आता था मेरे मामा। तो मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जिस उम्र में मेरे पास तानपुरा था भी नहीं, 6 साल में तो आपके हाथ में तानपुरा आ गया। मेरे तो 700-800 का जब तानपुरा आता था तब हमने खरीद लिया था, तो मैं एकदम छोटी तो नहीं थी, शायद 7th या ऐसे कुछ होगा, तो इतनी कम उम्र में तानपुरा गया तो बढ़िया सी बात हो गई। जी हाँ। तो तब होता क्या था कि अच्छा उसके पहले उसी समय में मुझे मामा ने एक सरस्वती की छोटी मूर्ति, मेटल की छोटी एकदम मूर्ति गिफ्ट की थी, तो उन्होंने कहा था कि, और रियाज करने का भी एक तरीका था, उन्होंने कहा कि सुबह जब उठोगे तानपुरा में देने के बाद उस सरस्वती को सामने रखना है, उनके सामने अगरबत्ती जलानी है और वो लगानी है, और जब तक वो अगरबत्ती खत्म न हो तब तक उसको तानपुरे को बजा के अपना रियाज करना है। तो मैं तो करता था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था सुबह जल्दी उठना और मुझे पेशेंस नहीं था बिल्कुल। तो वो आदत अभी है 5:30 बजे उठने की, या अपने आप आंख खुल जाती है और वो पुरानी बात याद आ जाती है, ऐसा कभी हुआ है किसी दिन उठे 5:30 बजे और लगा कि मैं वो बच्चा हूँ छोटा सा? अभी तो फिलहाल कैसे है कि बंबई में हूँ फिलहाल, तो शेड्यूल ऐसा होता है कि रात को 1-2 बजे सोना होता है। तो किसी दिन हुआ होगा ना कि उठे तो 5:30 बजे और समय पीछे चला गया हो और आपको लगा हो कि फिर खुल के देखा तो अच्छा मैं 6 साल का नहीं हूँ। जी हाँ, वो तो बड़ा कभी-कभार होता है ऐसे भी। तो उस समय मुझे तभी मुझे को बचपन में तो मामा की तभी बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मुझे इतने जल्दी क्यों उठाते हैं। और अच्छा ऐसी बात ऐसी थी कि वातावरण कैसा रहता है आसपास, प्रसन्नता, चहचहाट जो है? नहीं मैं खुद तो उठता था, लेकिन मुझे ट्यून करने के बाद, उसको सुर में मिलाने के बाद मामा खुद जाके सोते थे, क्योंकि वो तो रात को ले जाते थे, ये बात तो मैं नहीं समझ पाता, तो मुझे लगता कि मुझे ही ट्यून करके रहते और खुद सो जाते, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन डर था मन में बहुत, तो इसलिए मैंने उसको फिर। ये सिलसिला कितने सालों तक चल रहा था जब तक आप उनके घर पर थे? ये करीब करीब मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन तक। नहीं जब तक आप अपने आप नहीं कर रहे थे, बचपन का जो रियाज है मेरा वो मेरे ख्याल से 5-6 साल तक चला, लेकिन अपने आप बाद में आप खुद ही बैठने लगे होंगे ये चीजें। उसके बाद जब मैं समझ आ गई 10-11-12 साल का हो गया, तब मुझे अपने आप म्यूजिक के प्रति एक आकर्षण निर्माण होने लगा, मैं खींचता चला गया अंदर। लेकिन कैसा, कंठ संगीत के प्रति या ऑल टुगेदर सारे ही, मतलब तबले के प्रति भी, कंठ संगीत की तरफ भी और हारमोनियम की तरफ भी? मतलब चुन लिया था तब तक आपने कि मुझे हारमोनियम करना है, तब तक नहीं चुना था? नहीं तब तो बस म्यूजिक सीखना है, मतलब संगीत को करियर करके लेना है ऐसी कुछ दिमाग में था। और पाठशाला में पढ़ाई में कैसा था, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था मेरा? नहीं पर स्कूल में फिर गतिविधियां कुछ भी संगीत से संबंधित कुछ शुरू हो गया था? उतनी नहीं थी, वही तो जब मैं 6th कक्षा में गया तब वहाँ पे स्कूल ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, मेरे स्कूल भी बहुत सारे कुछ आपको बजा दिया। हाँ, गाने को दे दिया, ऐसा होने लगा तो थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे भी उस समय, तो अरे कुछ तो हो रहा है। कोई आपको शिक्षक शिक्षिकाएं कोई याद है स्कूल में जो मतलब संगीत के प्रति रुचि जरूर रखती थी या जो मन में बैठ गई है कि शी हैज अ गुड वॉइस, शी हैड टॉट मी दिस? वैसे मैं माता स्कूल में 2 साल था, माता सेकेंडरी स्कूल करके वास्को डी गामा में जो है, उसमें वाग टीचर करके एक थी शिक्षिका जो संगीत में बहुत रुचि रखती थी। और जो अभी क्या है वो है क्या, ओल्ड सी हो गई है, कभी मिलना जुलना होता है उनसे वहाँ जाने में? 2 ही साल था स्कूल में तो मैं 6th या वो आपसे आके मिली है ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। अभी तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट में नहीं है, वो कहाँ पे है मुझे नाम तो सुनती होंगी, शायद सुनती होंगी गोवा में यही कहीं जहाँ कहीं भी होंगी, तो मेरा उनसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं है फिलहाल। तो वो हमें कॉम्पिटिशन में लेके जाती है अलग अलग जगह पे। अरे वाह, स्कूल की तरफ से
तो फिर वो कॉम्पिटिशन्स में जाने के कारण हुआ क्या है कि उसमें वो कॉम्पिटिटिव नेचर आता था, फिर हमको पहला प्राइज मिलना चाहिए, तो पहला प्राइज मिलने के लिए क्या करना होगा, हमको इतना प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ये प्रैक्टिस का मामला। क्या ऐसा होता था कि क्लास चालू है और सब बच्चे पढ़ रहे हैं और हमको प्रैक्टिस के लिए अलग से निकाल के ले गए तो अच्छा भी लगता है कभी कभी, जैसे तो, मुझे लगता तब था तो बहुत अच्छा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को बस वो प्रैक्टिस ही करवाना है, क्लास में बैठना ही नहीं है। तो ये 10वीं तक ये सब चल रहा था? नहीं, उसके बाद मुझे एक मामा के दिमाग में था कि मुझे एक बड़े स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए ताकि मैंने पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा आकर्षित हूँ या फिर उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान रहे मेरा। तो मेरे इस म्यूजिक के कारण ही मुझे एक दूसरे स्कूल में ही बड़े स्कूल में एडमिशन मिला जिसका नाम है दिक्की हार हायर सेकेंडरी स्कूल, और जो काफी बड़ा स्कूल था, बहुत अच्छा, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे, और हालांकि उस समय गोवा में वो एक पहले 2-3 नंबर के स्कूल में माना जाता था, इतना अच्छा वहाँ पे स्कूल एजुकेशन सिस्टम था वहाँ का। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे धुरी सर करके, उल्लास धुरी, तो वो संगीत के बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, मतलब संगीत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी उनको, बहुत लगता है उल्लास नाम के आसपास संगीत घूमता रहता है। हाँ, बहुत तो मेरे मामा की उनकी अच्छी पहचान थी, तो उन्होंने कहा कि, और हुआ क्या था, जब मैं माता स्कूल में था जस्ट 3 साल पहले मेरे मामा ने मेरे हाथ में जलतरंग दिया था, और उसके मेरे बहुत गोवा के बड़े कॉन्सर्ट जो है, तो एक केसरबाई केरकर सम्मेलन और फिर गिरिजाताई केरकर समारोह, उसमें मेरा जलतरंग वादन हुआ था जब मैं, ये अपने आप सीख लिया था, 11-12 साल का था, जलतरंग सिखाया किसी नहीं, ने तब बचपन में मुझे मेरे मामा ने सिखाया उसको। तो तब हुआ क्या कि इतने छोटी उम्र का बच्चा बाहर परफॉर्म कर रहा है, ये धुरी सर जी के पास बात पहुंच गई, उन्होंने पेपर में मेरा नाम भी पढ़ा बहुत, तो फिर उन्होंने ही कहा कि आप इस बच्चे को हमारे स्कूल में लेके आओ, हमें इसकी, तो काफी बड़ा स्कूल था, तो मेरे मामा ने वैसे किया और मुझे उस स्कूल में एडमिशन दिलवाया थे। तो वहां से मेरा थोड़ा टर्निंग। आपका घर पे आना जाना कब रहता था, मतलब माँ के पास बीच में कभी आते थे त्योहारों में या वो आके जाती थी? माँ के पास तो बस साल में 2 ही बार जाता था मैं, मतलब वैसे गाँव में मेरे प्रॉपर पेरने में एक बार, एक तो गणपति के 7 दिन रहते थे हमारे घर में, 7 दिन का गणपति होता है, तो क्योंकि माँ के हाथ की रसोई खाने का एक चाव रहता है मन में, क्योंकि हर किसी की माँ के हाथ की जो एक टेस्ट होती है वो और जगह पे नहीं मिलती। जी हाँ, सही बात है। तो होता क्या है कि गणपति में मैं आज भी हर साल 7 दिन घर में मेरे रहता हूँ गणपति, वो मैंने आज तक छोड़ा नहीं है। और उस समय में माँ के साथ रहने को तो मिल जाता है, वो तो है। और मेरे बचपन में फिर मई महीने का जो स्कूल का वेकेशन रहता था, अभी तो लंबी चौड़ी हो गई है, गोवा की छुट्टी अप्रैल से ही शुरू जाती है, 2.5 महीने की हो गई है। जी हाँ, तो उस समय में 2 महीने की रहती थी हमारे समय में, तो मुझे 15 दिन मेरे मामा भेजते थे गांव में रहने के लिए, माँ पिताजी के साथ। वो जरा देहात है क्या, ज्यादा देहात बोलते हैं वैसा, और गांव गांव जैसा है क्या, जो भीतर का जो एकदम गाँव है, और ये सिटी है, ये सिटी है। तो वो 15 दिन मुझे वहाँ भेजते थे, बोलते थे कि ज्यादा दिन नहीं रहना है, इतना ही काफी है, क्योंकि उधर उधर मचाते थे या कैसे शांति से बैठ के रियाज कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, 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 इसके लिए तो उसको गोवा में हम लोग क्या बोलते हैं, धूमशान। सही बात है। मामा को पता था मेरे कि मैं तो गांव में जाके कुछ करने वाला नहीं हूँ, तो मुझे पहले खेरियां तोड़ूंगा, पेड़ों पे चढ़ूंगा, और उसको क्या बोलते हैं गोवा में, आमली बोलते हैं। हाँ, जितनी भी चीजें मिलती है वो खाऊंगा। जी हाँ, काजू खाऊंगा, और जो हम लोग उसको फणस पूरी बोलते हैं वो सारी चीजें खाऊंगा। चलो वो भी एक दिन है, वेकेशन हो जाती थी आपकी 15 दिन की। तो ये 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ाई जरा बढ़ जाती है, तब आपने कैसे ध्यान दिया होगा? नहीं, पढ़ाई सर्टिफिकेट्स काफी जमा कर लिए थे तब तक, तब तक दसवीं तक कॉम्पिटिशन में बहुत सारे। जलतरंग का आपका कौन से वर्ष हुआ था, 7वीं 8वीं में? जलतरंग का 6ठी और 7वीं में हुआ था। अच्छी बात है, मतलब कम उम्र में नाम होता रहा। सारे अखबारों में मेरा नाम आया था, मेरा फोटो आ रहा था। रखे हैं कि नहीं कटिंग्स? तो मेरे पास कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है। आप लोकल लाइब्रेरीज में जाएंगे तो कई जगहों पर आपको मिल जाएंगे अपने, क्योंकि वो संगीत से संबंधित रखते हैं कटिंग्स। तो ऐसे करके नया यही काम NCPA करता है। अच्छा, तो उसके बाद फिर गाँव में जाना होता था मेरा, साल में 2 बार गांव में, साल में 2 बार जाना होता था मेरा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो कला अकादमी में कभी जाना हुआ कि नहीं, छोटी उम्र में कुछ सुनने के लिए? या हाँ, मेरे जो मामा जी जो थे उनके पास में सीखा, वो कला अकादमी में खुद सीखते थे, तो जब वो क्लास को जाते, तो जब मुझे कभी स्कूल में छुट्टी होती थी ले जाते, अपने साथ ले जाते थे, या फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट सुनाए मेरे बचपन में। नमस्कार, मेरा